HDFC, पेटीएम और कोटक के बाद अब RBI ने वाट लगा दी है गवर्नमेंट बैंक्स की, जिसकी वजह से इन चार बैंक्स के शेयर्स 6% तक गिर गए हैं। और इस फॉल का रीजन है RBI का ये नया फाइनेंस रूल। बैंक्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती हैं, जैसे कि हाईवेज, फैक्ट्रीज, मेट्रोज एंड एयरपोर्ट्स, और इन प्रोजेक्ट्स के फेल हो जाने का रिस्क बहुत बड़ा होता है, जिसका लॉस अल्टीमेटली बैंक्स को झेलना पड़ता है। तो भाई RBI का कहना है कि आप जो लोन दे रहे हो उसका 5% रिजर्व आपको रखना पड़ेगा, और अगर लोन एक्सपोजर 1500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 10% रिजर्व रखना होगा। अब यार इससे बिजनेसेस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन RBI चाहता है बैंक्स का रिस्क मिनिमाइज करना।